ये ग्राउंड हो चुका है। जब उसी बात को सिर्फ हम कहेंगे कि जो झारखंड हो, झारखंड में हर जगह लगातार वो हेट स्पीच हो, मॉब लिंचिंग हो, झारखंड इसके लिए रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद हमें लगता है कि उन कानूनों को और बेहतर मजबूत बनाने के बजाय जो बनाया गया है वह अभी पेंडिंग पड़े हुए। अभी आपने देखा कि मॉब लिंचिंग बिल जो विधानसभा से पारित हुआ वह अभी जो है वापस नहीं आया है राजभवन से, न ही उसकी स्वीकृति हुई है। अभी आपने देखा हेट स्पीच को लेकर के भी कोई पॉलिसी नहीं बनी। और पिछले दिनों झारखंड विधानसभा से वो चाहे स्थानीयता को लेकर के, पिछड़ों को रिजर्वेशन को लेकर के जो बिल बनी, जो बिल पास हुए, वह भी राजभवन के द्वारा जो है वो भेजे जाने के बजाय, उसे स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने के बजाय वो लटका करके रखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उनकी दशा यही है। और वो हाल फिलहाल वो सारी चीज़ों में भी आप देखें कि जिस हम अभी 75-76वें स्वतंत्रता दिवस को हम लोग याद कर रहे थे कि लगातार यह संघ राज्य का ढांचा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना में हो, चाहे ग्रीन कार्ड के जो लाभुक हों उनके लिए जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिए गए पैसे पर भी राशन न देने का मामला हो, या बाकी अन्य मसलों पे देखें तो ये लगातार चीज़ें चल रही है। और इन्हीं साये में जो है डुमरी उपचुनाव हो रहा है। और डुमरी उपचुनाव में निश्चित रूप से, खास करके डुमरी में झारखंड आंदोलन का, झारखंड पहचान की वो सीट रही है। और वहाँ एक बार फिर से लोग भाजपा को, भाजपा गठबंधन को, NDA गठबंधन को परास्त करेंगे। और भाकपा माले की जो गिरिडीह जिला कमेटी है वो पूरे मुस्तैदी के साथ डुमरी उपचुनाव में लगेगी। या फिर क्या योजनाएं? देखिए, पिछले चुनाव में हम बिहार में 4 जगह से लड़े थे और झारखंड में 1 ना, तो इतना मान के चलिए कि जो 5 सीट पर पिछली बार लड़े थे तो ये एक संख्या है। और इस बार जाहिर सी बात है कि पिछली बार हम झारखंड में अकेले ही लड़े थे और बिहार में भी जो हमारा तालमेल था वो बहुत आंशिक तालमेल था, एक आरा सीट को लेकर ही था। इस बार हम इंडिया गठबंधन में हैं, इसलिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि सीटों पे तालमेल को लेकर के जो पार्टियों के साथ बातचीत हो और एक संपूर्णता में तालमेल का फार्मूला तय हो, और ताकि एक मैक्सिमम जो भाजपा के खिलाफ मत है उसका कोई बिखराव ना हो, उसकी पूरी एकता को हम सुनिश्चित कर सके। और इसलिए हमें तो लगता है कि पिछले चुनाव में अगर आप बात करेंगे कि झारखंड में जो गठबंधन बना था उसमें सबसे, उस समय भी हमने कहा था कि JVM को वहाँ 2 सीट दी गई थी, और वो जो JVM को 2 सीट दी गई थी वो सबसे कमजोर कड़ी निकली और सबसे संदिग्ध पहलू था। और बाद में तो बाबूलाल जी खुलेआम जो कहते थे कि कुतुब मीनार से टूट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि हमने तो पूर्व खुदा था लेकिन भाजपा ने आपको बचा लिया है, तो ये तो सबसे बड़ा विपक्षी गठबंधन के साथ धोखा JVM के जरिए पिछले चुनाव में हुआ। और हम समझते हैं कि अगर JVM के बजाय इस बार माले या वामपंथियों को उस पूरे गठबंधन में समुचित जगह मिले तो झारखंड का जो गठबंधन बनेगा, इंडिया गठबंधन, वो बहुत सशक्त होगा और उसमें पूरे झारखंड के गरीबों का, मजदूरों का, आदिवासियों का, नौजवानों का और ज़्यादा भरोसा बनेगा। इस पर अभी बात होगी, अभी तो राज्य स्तर पर भी बात शुरू होगी, हमें लगता है कि उपचुनाव हो जाए, मुंबई की बैठक हो जाए और तब राज्यों में ये तय हुआ कि जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है इस पर दिशा तय हो गई, लेकिन उसका जो बंटवारा है उस पर तो अलग अलग स्टेट में ही बात होनी है। हम तो लोग इसको जल्दी इसको करेंगे कि बात हो जाए और सीटें तय हो जाए। अपनी सत्ता से मतलब है, सत्ता में बने रहने से मतलब है, किसी भी तरीके से चुनाव जीतने पर उससे मतलब है,
बाकी कोई देश से कोई लेना देना नहीं है। और जो मणिपुर से लेकर हरियाणा तक आप देखेंगे, पूरे हरियाणा अब लग रहा है कि एक तरफ खट्टर साहब हैं और वहाँ मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी, यही हरियाणा चला रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत, कल तो बिट्टू बजरंगी की अभी गिरफ्तारी हुई, और जब गिरफ्तारी हुई तब ये बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बीजेपी वाले कह रहे कि हमारे कोई नहीं थे, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि बिट्टू बजरंगी कौन थे और भाजपा में कितनी जबरदस्त उनकी पकड़ है। तो अभी तो हम यही कहेंगे कि झारखंड में भी बहुत स्थिति खतरनाक है, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये सरकारों से आगाह किया, प्रशासन से किया, कि जो नफरत का भाषण, नफरत की बोली हम सुन रहे हैं कि यहाँ भी कोई, रांची में भी कोई मोनू मानेसर आ गया, अभी यहाँ पूरे नफरत उगल रहे हैं, पूरे जहर चारों तरफ फैला रहे हैं। तो झारखंड सरकार को भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार इस पर संज्ञान लेकर के ये हेट स्पीच पर, हेट कैंपेन पर, क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जैसा मान लीजिए आप मणिपुर देख रहे हैं, किस तरह से बांट दिया, किस तरह से बांट दिया पहाड़ और घाटी को, उसमें मैतेई और कुकी समुदाय को, हिंदू और ईसाई को, और अभी पूरा प्रदेश बर्बाद हो गया। तो झारखंड भी एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबकी एकता, हाँ, हिंदू मुस्लिम ईसाई आदिवासी गैर आदिवासी, तो सबकी पूरी एकता बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर झारखंड आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जो नफरत की खेती झारखंड जैसे प्रदेश के लिए बेहद खतरनाक है, और इसीलिए हम तो झारखंड सरकार से भी कहेंगे कि इस पर बिल्कुल संज्ञान लेकर के काम करना चाहिए, ताकि ये नफरत की राजनीति, विभाजन की राजनीति, हिंसा की राजनीति झारखंड में आगे ना बढ़ सके। तो अभी तो 15 अगस्त पूरे देश में लोगों ने आज़ादी के 76 साल पूरे होने के मौके पर स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन इस समय जो देश की स्थिति है वो बहुत चिंताजनक और निराशाजनक है। आप देखेंगे कि मणिपुर 4 महीना करीब हो रहा है, अभी भी मणिपुर में शांति नहीं लौटी, और बिल्कुल हमारी एक 8 सदस्यों टीम मणिपुर के दौरे पर थी, 10 तारीख से 14 तारीख तक साथियों ने दौरा किया, राहत शिविरों में गए, इम्फाल घाटी में जहाँ ज़्यादा मैतेई जनसमुदाय है वहाँ भी, और पहाड़ी जिलों में जहाँ कुकी या नागा आबादी है उन इलाकों में भी लोगों ने दौरा किया। रिपोर्ट जो सुन रहे थे कि 4 महीने के बाद भी शांति भी नहीं है, राहत शिविर में भी जो मिनिमम लोगों के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए वो अरेंजमेंट भी अभी तक नहीं है। और ये तो हम लोगों ने देखा ही पार्लियामेंट में कि नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट में हम आए, तो पार्लियामेंट में कम से कम आए और आकर के कुछ बोले, इसके लिए अविश्वास मत लाए, ताकि प्राइम मिनिस्टर आने के लिए बाध्य हो। तो मणिपुर जल रहा है, पार्लियामेंट सेशन में मोदी जी को जिस तरह से हमने देखा कि पार्लियामेंट का अपमान, कि प्राइम मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट में ही बैठे हुए हैं, अगल बगल में हैं, पार्लियामेंट में नहीं आए, तो इतना ज़बरदस्त एक पार्लियामेंट के प्रति नफरत, एक पार्लियामेंट की उपेक्षा, पार्लियामेंट के उसका अपमान कोई प्रधानमंत्री करे, ये तो बहुत खतरनाक। और अब तो शायद बात बिल्कुल खुल गई, जो 15 अगस्त का उनका भाषण हमने सुना, और उसी समय जो मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद है, उस परिषद के अध्यक्ष ने, विवेक देवराय ने जो लेख लिखा,
इसमें एक तरीके से जो इनका इरादा है वो बहुत खुल के सामने आ गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई संविधान, अब नया संविधान चाहिए। संविधान को ही एक कॉलोनियल प्रोडक्ट बता रहे हैं, कॉलोनियल लीगेसी। तो जिस संविधान भारत के आज़ादी के आंदोलन के एक बहुत बड़ी उपलब्धि, जिसके लिए संविधान सभा ने एक एक सवाल पर इतनी ज़बरदस्त चर्चा की, बहस की, बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी मेहनत की, और उसके बाद तो संविधान बना। अब उस संविधान को ही खुलेआम वो कह रहे हैं कि भाई ये तो कॉलोनियल प्रोडक्ट है, और अब इन शब्दों का क्या मतलब रह गया, लोकतंत्र, न्याय, बराबरी, इन शब्दों का क्या मतलब है, देश को नया संविधान चाहिए। तो हमें लगता है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के बाद अब तो समय आ गया है कि पूरे हिंदुस्तान को जीत जाना चाहिए। वो अपनी सत्ता से मतलब है, सत्ता में बने रहने से मतलब है, किसी भी तरीके से चुनाव जीतने पर उससे मतलब है, बाकी कोई देश से कोई लेना देना नहीं। और जो मणिपुर से लेकर हरियाणा तक आप देखेंगे, पूरे हरियाणा अब लग रहा है कि एक तरफ खट्टर साहब हैं और वहाँ मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी, यही हरियाणा चला रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत, कल तो बिट्टू बजरंगी की अभी गिरफ्तारी हुई, और जब गिरफ्तारी हुई तब ये बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बीजेपी वाले कह रहे कि हमारे कोई नहीं थे, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि बिट्टू बजरंगी कौन थे और भाजपा में कितनी ज़बरदस्त उनकी पकड़ है। तो अभी तो हम यही कहेंगे कि झारखंड में भी बहुत स्थिति खतरनाक है, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये सरकारों से आगाह किया, प्रशासन से किया, कि जो नफरत का भाषण, नफरत की बोली हम सुन रहे हैं कि यहाँ भी कोई, रांची में भी कोई मोनू मानेसर आ गया, अभी यहाँ पूरे नफरत उगल रहे हैं, पूरे जहर चारों तरफ फैला रहे हैं। तो झारखंड सरकार को भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार इस पर संज्ञान लेकर के ये हेट स्पीच पर, हेट कैंपेन पर, क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जैसा मान लीजिए आप मणिपुर देख रहे हैं, किस तरह से बांट दिया, किस तरह से बांट दिया पहाड़ और घाटी को, उसमें मैतेई और कुकी समुदाय को, हिंदू और ईसाई को, और अभी पूरा प्रदेश बर्बाद हो गया। तो झारखंड भी एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबकी एकता, हाँ, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आदिवासी, गैर आदिवासी, तो सबकी पूरी एकता बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर झारखंड आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जो नफरत की खेती झारखंड जैसे प्रदेश के लिए बेहद खतरनाक है, और इसीलिए हम तो झारखंड सरकार से भी कहेंगे कि इस पर बिल्कुल संज्ञान लेकर के काम करना चाहिए, ताकि ये नफरत की राजनीति, विभाजन की राजनीति, हिंसा की राजनीति झारखंड में आगे ना बढ़ सके।